हिजबुल्ला के चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद अब किसे मिलेगी कमान। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सफीदीन का नाम सबसे आगे, शेख नईम कासिम के नाम पर भी चर्चा। लेबनान में इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, 1 लाख सैनिकों को रिजर्व रखकर लेबनान सीमा पर सैकड़ों टैंक किए तैनात, रेडी टू अटैक बोर्ड में फाइटर जेट भी तैयार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, कुलगाम में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया तो वहीं कठुआ में 1 आतंकी मारा गया, 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की भी खबर। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा, उत्तर बिहार के बगहा वाल्मीकि नगर और सुपौल में कोसी और गंडक नदी का रौद्र रूप, नेपाल में 24 घंटे में 66 लोगों की मौत। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले हरियाणा में एमपी राजस्थान की तरह फूटेगा गुब्बारा, इनके राज में दामाद दलालों का बोलबाला। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों और दामाद का ही बोलबाला था। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से करेंगे संवाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की आतंक पर दो टूक, पाकिस्तान को बताया आतंक की धुरी। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाने का किया गया ऐलान, मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, आज दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, बोले स्मार्ट शहरों के विकास पर ध्यान देने से यूपी बने देश की शान। बहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो मॉडल आज उत्तर प्रदेश बना है,